धरती को बेदर्दी से बर्बाद कर रहा है इंसान, डराती हैं ये भयानक तस्वीरें। इंसान अपने लालच के चक्कर में लगातार धरती को बर्बाद कर रहा है। रोज ही पृथ्वी का सीना छलनी किया जाता है, समुद्र, जमीन और नदियों में गंदगी की जाती है, प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन किया जाता है। अब तो स्थिति दोहन से आगे बढ़कर बेदर्दी से शोषण तक पहुंच चुकी है। तस्वीरों में जानिए हमने किस तरह धरती की दशा बिगाड़ दी है। खुदाई करने वाली भारी भरकम मशीनें, यह मशीन बकेट व्हील एक स्कैवेटर कहलाती है। इनका इस्तेमाल खदानों में होता है। इनमें लगा एक एक बकेट खांचा एक बार में 200 टन मिट्टी पत्थर खोदकर निकाल सकता है। खदानों में इनके जरिए धरती की ऊपरी परत फटाफट हटाई जाती है, ताकि फिर अधिक गहरे तक खुदाई करके ज्यादा से ज्यादा मिनरल्स निकाले जा सकें। इस व्हीकल में लगी बकेट व्हील 70 फुट व्यास की हो सकती है और उसमें बकेट्स की संख्या 20 तक भी हो सकती है। 20 अप्रैल 2010 को मेक्सिको की खाड़ी में समुद्र में गहरे छेद करके तेल निकालने वाली जगह पर भयंकर विस्फोट हुआ था। इसमें 11 लोग हमेशा के लिए लापता हो गए और 16 घायल हुए थे। इसे डीप वाटर ड्रिलिंग रिग एक्सप्लोशन कहा जाता है। यह समुद्र में तेल फैलने की अब तक की सबसे बड़ी दुर्घटना है। यह तस्वीर इंडोनेशिया में बोर्नियो की है। जिस जगह पर कभी घने रेन फॉरेस्ट हुआ करते थे, वहां अब पाम ऑयल प्लांटेशन है। पाम ऑयल सस्ता होता है, इसलिए इसकी मांग बढ़ रही है। इसे देखते हुए इंडोनेशिया सरकार ने 2020 तक इसका उत्पादन 4 करोड़ टन वार्षिक तक बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। इससे उसे आर्थिक लाभ तो होगा, लेकिन हरे पेड़ काटकर पाम ट्री लगाए जाने से पर्यावरण को जो नुकसान होता है, उसकी पूर्ति दुनिया की किसी दौलत से नहीं की जा सकती। इंडोनेशिया के जावा द्वीप में समुद्र की लहरों की यह तस्वीर फोटोग्राफर जैक नोएले ने 2013 में खींची थी। समुद्र में यह जगह किसी भी शहर से मीलों दूर थी, फिर भी लहरों के साथ इतना अधिक कचरा घूम रहा था कि जैक हैरान रह गए। बाद में इस फोटो ने सारी दुनिया को चौंकाया था। यह तस्वीर बताती है कि हम अथाह समंदर को भी कितना गंदा कर चुके हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ध्रुवों पर जमी बर्फ तेजी से पिघल रही है। इसके कारण धरती का तापमान और तेजी से बढ़ रहा है। इसके अलावा समुद्र के जलस्तर में भी बढ़ोतरी हो रही है। अनुमान है कि हर साल टाइटैनिक के आकार के 15 लाख हिमखंड पिघल रहे हैं। कनाडा स्थित अथाबास्का ऑयल सैंड सबितुमन, डामर और वी क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा भंडार है। ये ऑयल सैंड्स 1.41 लाख वर्ग किलोमीटर के बोरियल फॉरेस्ट में फैले हैं, जहां बड़े पैमाने पर खनन का कार्य होता रहता है। यहां 17 ट्रिलियन बैरल बितुमन का भंडार है। आकाश से यह धरती पर गए गड्ढे की तरह दिखती है, लेकिन यह दुनिया की सबसे बड़ी हीरों की खान है। रूस में स्थित मीर नामक खदान की गोलाई 1.2 किलोमीटर और गहराई 0.5 किलोमीटर से अधिक है। 1960 के दशक से इस खान से हर साल करीब 2000 किलोग्राम हीरे निकल रहे थे, लेकिन अब यह मात्रा 400 किलोग्राम तक रह गई है। यह तस्वीर है दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले शहर मेक्सिको सिटी की। इस तस्वीर में हरियाली के निशान बड़ी मुश्किल से ही खोजे जा सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ वायु प्रदूषण भी बहुत ज्यादा हो चुका है। हाल की स्टडीज से पता चला है कि वृक्षों की कटाई, सूखा और ग्लोबल वार्मिंग के चलते अमेजन रेन फॉरेस्ट में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। 2007 में लगी आग के बारे में अनुमान लगाया गया कि उसमें 10 लाख फुटबॉल मैदानों के बराबर क्षेत्र के जंगल खाक हो गए थे। रेन फॉरेस्ट को धरती के फेफड़े कहा जाता है। फेफड़ों के कटने और जलने का मतलब है धरती का तबाही की ओर बढ़ना। दूर से खिलौनों की तरह नजर आ रही ये चीजें दरअसल तेल निकालने वाली मशीनें हैं। यह दृश्य है कैलिफोर्निया के रिवर ऑयल फील्ड का, जहां 1899 से खनन चल रहा है। अकेले इसी फील्ड से अब तक 2 अरब बैरल से ज्यादा तेल निकाला जा चुका है।
यह न सिर्फ धरती के संसाधन का दोहन है, बल्कि तेल के जलने से पर्यावरण को जो नुकसान पहुंचता है, वह अलग धरती को प्रभावित करने वाले बड़े फैक्टर्स में अहम है। पेड़ों की कटाई, पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य गैसों में कमी लाते हैं। जंगलों की कटाई से सैकड़ों हजारों तरह के प्राणियों का प्राकृतिक आवास भी नष्ट होता है, जिससे पर्यावरण का संतुलन बिगड़ता है। दुनिया में हर साल 2 से 5 करोड़ मीट्रिक टन ई वेस्ट निकलता है। स्मार्टफोन, टैबलेट, कंप्यूटर आदि इलेक्ट्रॉनिक चीजों के रूप में निकलने वाले इस कबाड़ में कई तरह के जहरीले तत्व होते हैं, जिनका समुचित निपटारा एक बड़ा सिरदर्द बनता जा रहा है। हम इंसान अपनी धरती को कचरे से भी पाट रहे हैं। इसमें सबसे घातक है पॉलीथिन और प्लास्टिक का कचरा, जो अपघटित भी नहीं होता। यह तस्वीर बांग्लादेश के लैंडफिल्स की है और यह बताने के लिए पर्याप्त है कि हमने अपने ही घर को कूड़ा घर में तब्दील कर दिया है।